नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल 10 साल पूरे किए थे। ठीक लगभग उसी पीरियड में एनिवर्सरी आने वाली थी कि पार्टी कुछ अजीबोगरीब किस्म के आरोपों के अंदर घिर गई है। मनीष सिसोदिया तो काफी वक्त से अरेस्टेड हैं, उन पे इंक्वायरी चल रही है, करप्शन के चार्जेस हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में उनका बेल एप्लीकेशन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सुनवाई करने के बाद उम्मीदों पे पानी फेरते हुए बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और प्राइमा फेसी ऐसा लगता है जजमेंट को पढ़ के कि प्राइमा फेसी जो आरोप हैं उनको सही दिशा में माना है। ये एक डेफिनेटली सेटबैक है। उसी के साथ तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन्स दिए जो वो नहीं गए। तो सिचुएशन अभी फ्लूइड है। हम जो बात अभी कर रहे हैं अगले कुछ ही मिनटों में बदल सकती है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, समन्स ड्रॉप किए जा सकते हैं। तो हम इस पूरे इशू को बिल्कुल लाइव न्यूज की तरह ना ट्रीट करते हुए हम इस पर थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ऊपर और ये जो पूरा क्राइसिस चल रहा है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आशुतोष, जो हमारी तरह पत्रकार भी रहे हैं लेकिन वो आम आदमी पार्टी के भी एक बड़े क्रूशियल पीरियड में उसके सदस्य थे। उसके बाद अपने कारणों की वजह से उस पार्टी को छोड़ के वो वापस आ गए। तो आशुतोष भाई, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, थैंक यू। नहीं, आपसे लगातार बात होती रहती है तमाम मुद्दों पे, लेकिन मैं जो याद दिलाना चाहता हूँ हमारे आज के व्यूअर्स को कि ठीक एक साल पहले इसी कार्यक्रम में मैंने आपके साथ एक चर्चा की थी जिसमें आम आदमी पार्टी के 10 साल के ऊपर हम लोगों ने एक बहुत ही लाइवली किस्म का डिस्कशन किया था जिसके बहुत व्यूअर्स ने उसको देखा था। तो एक तरह से हम लोगों के लैंग्वेज में जो बोलते हैं कि एक तरह से विद इन लिमिटेड सर्कल में वो वीडियो जो है एक तरह से वायरल हो गया था। कुछ बातें आपने बहुत अच्छी कही थी जी। आम आदमी पार्टी का जो सिचुएशन है, आपने अभी एक आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा है ndtv.com में, जो मेरे को बहुत ही पॉइंटेड और उसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लगी। कुछ कुछ चीजों से शायद मैं डिसएग्री करूंगा लेकिन वो बिल्कुल होना चाहिए कि जैसे डेमोक्रेसी का एक एसेंस है कि टू डिसएग्री येट ऑल्सो बीइंग टुगेदर एंड हैविंग अ डायलॉग। आपने लिखा है कि आम आदमी पार्टी के बारे में कि इट इज हेडिंग फॉर एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस द बिगेस्ट इट हैज एवर फेस्ड। आगे लिखा है इट इज आयरोनिक that the downfall of the party which was created to make India corruption free has been triggered by corruption charges. फिर आपका एक तरह से kind of a summation दो एकदम शुरू में ही है। The Aam Aadmi Party will find it difficult to detach itself from the charges and it will be a miracle if that happens. उसका मतलब है कि जिस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी बनी उसी मुद्दे पे उसे घेर लिया। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप इस पूरे चीज को किस तरह से देखते हैं। पिछले साल हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था एक बड़े प्रश्न चिन्ह पे हुआ था कि क्या आम आदमी पार्टी अभी भी उन चीजों को परस्यू कर रही है जिसके बेसिस पे वो बनी थी, जिसके प्रति कमिटेड थी। उसके बाद बहुत डेवलपमेंट हुए, सारा का सारा जो लिकर स्कैम है वो एसेंशियली इस साल में डेवलप हुआ, हालांकि उसकी आवाजें पिछले साल से आने लगी थी लेकिन मेजर डेवलपमेंट्स और मेजर अरेस्ट अभी कुछ समय में देखा गया है। और अभी एक दो दिन पहले ही दिल्ली के मंत्री पे भी चार्जेस वो सर्च किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। तो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? बहुत बहुत शुक्रिया अपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जो मैंने आर्टिकल लिखा है वो मैंने काफी सोचने के बाद उस पर लिखा है। जब मैंने एग्जिस्टेंशियल शब्द का इस्तेमाल किया तो मैंने इस बारे में काफी सोचा कि वाकई में क्या ये ऐसी कोई क्राइसिस है या क्राइसिस नहीं है। तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और मुझे लगता है कि गिरफ्तारी होगी, उसके संदर्भ में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगी और उससे उबरने में आम आदमी पार्टी को बहुत वक्त लगेगा।
उसका सबसे बहुत कारण यह है क्योंकि मैंने आगे उसमें यह भी लिखा है कि इनकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है और कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है। तो पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है नहीं है, इसका कारण बहुत स्पष्ट है क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ एक आदमी के ऊपर केंद्रित है। आम आदमी पार्टी के अंदर कोई उस तरीके कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी में आप देखते हैं या फिर आप हम कांग्रेस पार्टी में देखते हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हैं, जहां भले ही कुछ भी हो लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकें होती हैं, उसमें बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस आते हैं, वो चर्चा करते हैं और फैसले लिए जाते हैं। ये अलग बात है कि बाद में कहा जाता है कि आलाकमान उसको फैसला कर। भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ सीसी की बैठक होती है, वहां पे एग्जीक्यूटिव कमेटी की हर तीन महीने के बाद बैठक होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स है। आम आदमी पार्टी में अनफॉर्चुनेटली ना तो इस तरीके के कोई स्ट्रक्चर्स है ना उनकी किसी तरीके की कोई सैंक्टिटी है। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जब बहुत संकट में फंसती है तो वो सर्वाइव इस आधार पे करती है क्योंकि उसके अंदर सिस्टम्स हैं और वो सिस्टम्स उस पार्टी को संकट से बाहर निकाल लेते हैं। अब जो ये एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स हैं उसकी वजह से मेरे मन में ये शंका पैदा होती है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट है। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी की डे टू डे फंक्शनिंग है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द सिमटती रहती है, यहां तक कि कोर्ट में क्या किस तरीके से केस लड़ा जाएगा, जेल से छूटने के बाद आदमी क्या बोलेगा, ये सब कुछ भी वही बैठ के तय करते हैं। तो अब जहां इतना सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा वहां पे उनके एब्सेंस में पार्टी कैसे फंक्शन करेगी, पार्टी कैसे चलेगी, ये अपने आप एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पे दो बड़े संकट है। पहला संकट तो ये कि अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री है अगर अरेस्ट होते हैं तो उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री का पद अगर छोड़ना पड़ेगा तो फिर उनकी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी? और मुख्यमंत्री बनने कोई भी बन सकता है, चला भी सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता कि नहीं चला सकता, लेकिन जिस तरीके की हॉस्टिलिटी है लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में, जिस तरीके की हॉस्टाइल गवर्नमेंट सेंटर में है, जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दूसरे एजेंसीज का लगातार हमला हो रहा है, वैसे में यू नीड अ वेरी मैन ऑफ अ वेरी सॉलिड कन्विक्शन एंड करेज, और जिसकी जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो और जिसकी बातों को लोग सुन भी सके। क्या वैसा कोई आदमी है? मुझे आज की तारीख में ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी बात, पार्टी अब बड़ी पार्टी हो गई है तो उनकी अनुपस्थिति में वो पार्टी के सर्वेसर्वा तो रह सकते हैं लेकिन डे टू डे पार्टी कौन चलाएगा? ये जो अलग अलग जो पंजाब की यूनिट, क्या उस नए आदमी को स्वीकार कर पाएगी? क्या बाकी राज्यों में जो हैं वो उनको स्वीकार कर पाएंगे? तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में जो दो लोग इस पार्टी को कामयाबी के साथ चला सकते थे वो थे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों की एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी हायरार्की में भी है और पार्टी के बाहर भी है, और उनको उन दोनों लोगों को पार्टी काडर भी मानता है, उनके सपोर्टर्स भी उनको बड़े नेता मानते हैं, और पंजाब की यूनिट और दिल्ली की यूनिट दोनों ही उनको एक तरीके एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्टेबिलिटी किसी दूसरे नेता की आज की तारीख में इन तीनों के अलावा नहीं है। अब ये दोनों नेता पहले से जेल में है, अरविंद केजरीवाल भी अगर जेल में जाएंगे तो फिर एक बहुत बड़ा शून्य क्रिएट हो जाएगा और उस संदर्भ में पार्टी को आगे ले चलना, पार्टी को संभालना बहुत ही मुश्किल काम होगा। जी, मतलब आपने काफी एक अच्छे पर्सपेक्टिव में पूरा बैकग्राउंड सेट किया। मेरे को दो तीन चीजें इसमें मतलब पॉइंटेड सवाल पूछने आपसे। एक तो ये हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि अगर आप अरेस्ट होते हैं तो आपको सिंपैथी का फायदा होता है, जिसको भी अरेस्ट किया जाता है खासतौर से चुनाव के समय, ये एक तरह से लोगों में एक इम्प्लिसिट समझ आती है कि ये जो है ये चार्जेस पता नहीं किस हद तक सही है लेकिन इसमें विक्टिमाइजेशन जरूर हो रहा है, क्योंकि वरना इसके पहले इसका क्यों नहीं किया गया था। एक बात तो ये, दूसरा जो है कि अक्सर कहा जाता है कि क्राइसिस अपने नए हीरोज या हीरोइंस पैदा करता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं होगा कोई, मतलब एक आंदोलन रहा है, आंदोलन बहुतों को नेता बनाते हैं। आदमी अरविंद केजरीवाल खुद जब एंटी करप्शन मूवमेंट में के शुरू के वक्त में कभी ऐसा नहीं लगा था कि वो इतने बड़े नेता बन जाएंगे, जो एक तरह से एक वक्त आया था जब ऐसे ही लगता था कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई चैलेंज आने वाला है तो आने वाले सालों में वो अरविंद केजरीवाल के रूप में ही आएगा। बनारस में जो उनका
चुनाव कर लड़ने का जो फैसला था उसमें जिस तरह से लोगों का रिएक्शन था, और किसी भी किस्म का बेस ना होने के बावजूद अच्छे खासे वोट लेके रनर अप पोजीशन में वो वहां आए थे। तो अरेस्ट होने से सिंपथी वेव, और क्या कोई दूसरा नहीं अचानक उभर के आ सकता है। मैंने जिस आर्टिकल का आपने जिक्र किया उसके आखिरी लाइन भी यही है कि द क्राइसिस हैज अनकैनी हैबिट ऑफ थ्रोइंग अप अ न्यू लीडर। क्या यहाँ पे होगा, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। मैं इसको डिस्काउंट नहीं करता हूं कि क्राइसिस के समय में कोई नई लीडरशिप नहीं आ सकती है या कोई नई लीडरशिप आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन जैसा कि हमने, हमारे पास दो उदाहरण है कम से कम कि मुख्यमंत्री जब गिरफ्तार हुआ तो आरजेडी में भी और जयललिता दोनों में कोई नई लीडरशिप नहीं आई। जो पुरानी लीडरशिप में जो कुछ लोग थे जो जयललिता के बड़े करीबी थे या फिर लालू यादव के बहुत करीबी लोग थे, उन्हीं लोगों ने मिलजुल कर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था, कोई नई लीडरशिप इमर्ज नहीं की थी। उस संदर्भ में मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि अरविंद केजरीवाल इज अ काइंड ऑफ अ लीडर जो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, वो ही इज अ मैन ऑफ वेरी डिफरेंट मेटल। उनकी तुलना कर पाना या उनके जैसा कोई दूसरा नेता खोजना हमारे ख्याल से आम आदमी पार्टी तो छोड़िए दूसरी पार्टियों में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस तरीके से कहे। तो उस तरीके से इस होस्टाइल एटमॉस्फेयर में कोई नई चीज पैदा हो जाए और वो उनको मैच करते हुए मुझे कम से कम आज की तारीख में नहीं दिखाई पड़ता। अब आपका दूसरा सवाल, जो पहला सवाल था दरअसल, कि क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद किसी तरीके की सिंपथी या सहानुभूति आम आदमी पार्टी को मिल सकती है जिसका फायदा मिल सकता है, मुझे वो बात उतनी जमती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं इस मामले में जो भी केस को परस्यू कर रहा है, और मैं मान के चलता हूं कि पॉलिटिकल बैटल ज्यादा है लीगल बैटल कम है, जो भी केस को परस्यू कर रहा है उसने बहुत करीने से एक के बाद एक चीजों को रखा है और इस बात का इंतजार किया है कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बेल ना मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट में पहले आपको याद होगा कि केस के दौरान यह हुई थी कि भाई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। क्या अप्रूवर के आधार पर, सिर्फ एक अप्रूवर के आधार पर आप किसी को जेल में रख सकते, ये टिप्पणी थी। क्या किसी को आप इटर्नल या अनंत समय तक जेल में रख सकते, ये टिप्पणी थी। और उसके बाद लोगों ने कहा कि अब लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस केस में कोई मेरिट नहीं दिखाई पड़ता है, लिहाजा मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत सारे लोग हैरान हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल रिजेक्ट की है और यह भी इंश्योर किया है कि कम से कम 3-4 महीने, इंश्योर का मतलब उनके वर्डिक्ट का ये का लॉजिकल वो है कि 3-4 महीने तक उनको बेल ना मिले। अब जब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को बेल नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक शंका पैदा होती है कि सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दे रहा है, इसका मतलब केस में कहीं ना कहीं कुछ दम है और ये भ्रष्टाचार का आरोप है। केस में दम है ये लोगों के मन में संदेह पैदा होगा। और दूसरी बात जो इस पार्टी को आम आदमी जो आरजेडी और जयललिता की पार्टी से अलग करती वो ये कि ये इस पार्टी का जन्म ही दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुआ था। लेकिन अगर लोगों के मन में यह संदेह हो जाए कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे वो खुद भ्रष्टाचार की वजह से जेल के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट भी इनको बेल नहीं दे रहा है, तो एक लार्जर, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनकी क्रेडिबिलिटी पर लगता है। तीसरी बात क्या है कि चूंकि इनके दो सबसे बड़े नेता वो भी जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इसलिए ग्राउंड लेवल पे वो बड़े लेवल पे मोबिलाइजेशन कर पाएंगे और उसको लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे, इसमें भी मुझे पूरी तरीके से संदेह है। चूंकि संदेह है इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा इनको कोई सिंपथी मिलने वाली है या कोई बहुत ज्यादा इनको फायदा होने वाला है इसकी वजह से। दो तीन चीजें मेरे मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं। एक तो ये कि काफी वक्त से, मतलब 2014 के बाद से और खासतौर से 2019 एंड स्पेशली 2020 के बाद से, मतलब जिस तरह से सीएए और उसके बाद के जो केसेस हुए और उस तरह से जैसे यूएपीए का मिसयूज किया गया, इतने लोग विदाउट बेल अरेस्टेड हैं, एक तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जिसमें कितने लोगों का उसमें विश्वास है कहना मुश्किल है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोर्ट्स, इवन सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, कि मतलब सरकार के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उनके वर्डिक्ट्स आते हैं, कुछ जजमेंट्स आए हैं, लेकिन एक डेफिनेटली एक सेंटिमेंट है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते, काफी लोगों में एक है।
दूसरा ये कि जैसे आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, उसमें मैं फिर से दोहराता हूं कि अकॉर्डिंग टू द कोर्ट देयर सीम्स टू बी अ मनी ट्रेल एंड इट अपीयर्स दैट द चेंज इन लिकर पॉलिसी वाज डन विद एन इंटेंट टू बेनिफिट प्राइवेट प्लेयर्स. द कोर्ट हैज सीमिंगली एक्सेप्टेड द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट. ये आपने लिखा है जी. तो हो रही है सुनवाई बेल एप्लीकेशन. बेल एप्लीकेशन में प्राइमा फेसी कोर्ट बोल रहा है कि उनको प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट सही लग रहा है. एक तरह से मेरे को ये यूएपीए का आर्गुमेंट लगता है कि जैसे इसमें होता है कि टू गिव बेल ऑन दैट, कोर्ट को एक प्राइमा फेसी विश्वास होना चाहिए कि उनके खिलाफ, अक्यूज के खिलाफ केस नहीं बनता है. तो ये फैसला कोर्ट को लेने बोला जा रहा है या कोर्ट को लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है सुनवाई होने के पहले. ये मुझे जरूर एक अटपटा लगा कि बेल एप्लीकेशन के समय में कोर्ट इस तरह से एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देती है कि दैट देयर सीम्स टू बी अ मनी ट्रेल एंड इट अपीयर्स अ चेंज इन लिकर पॉलिसी वाज डन विद द इंटेंट टू बेनिफिट प्राइवेट प्लेयर्स. तो ओपनिंग स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई कोर्ट ये बयान कैसे दे सकता है, और अगर ऐसा बयान दिया जाता है तो क्या जनता को नहीं लगेगा कि कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज्ड है? देखिए, हमारे देश के अंदर जो जो आम जनता है या जो पॉलिटिक्स है वो टेक्निकलिटीज में उतना नहीं जाती है, वो लीगलिटीज में उतना नहीं जाती. हमारे आपके लिए उसके लीगल आर्गुमेंट्स बिल्ड करना या उसमें मीन मेक निकालना या उसपे किसी तरीके की बातें करना वो एक अलग तरीके का प्रश्न, वो दैट्स एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज. लेकिन जनता की नजर में आज की तारीख में और जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का की ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, जिस तरीके की डिसिप्लिन पार्टी, जिस तरीके के रिसोर्सेज उनके पास है, जिस तरीके से मीडिया पर उनका 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 एक तरीके से कब्जा है, तो वहां एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, भाई सुप्रीम कोर्ट से भी इनको बेल नहीं मिली. अब ये जो आर्गुमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको बेल नहीं मिली, चलिए आप लोग तो हर चीज पर सवाल खड़े कर देते हैं, अब आप सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिला, मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो लोगों को समझ में आता है कि देखिए राहुल गांधी के मामले में तो लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेल मिल गई. तो राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सही है, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट गलत कैसे हो सकता है? तो जो बीजेपी की जो मसल पावर है और बीजेपी का जो नैरेटिव क्रिएशन पे जो कंट्रोल है, उसमें इस तर्क को लोगों के बीच में ले जाने में बहुत आसानी हो पाएगी और ये लोगों को बिलीवेबल लगेगा भी. तीसरी बात जो इसमें यह है कि अभी तक लिकर पॉलिसी को लेकर लोगों के मन में संदेह है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है. ये मैंने कई जगह बातचीत करने को देखा, लोगों के मन में संदेह कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है. अगर सही होता तो फिर सीबीआई जांच के बाद सरकार इस लिकर पॉलिसी को वापस क्यों ले लेती, सरकार ने पॉलिसी वापस क्यों ली, ये भी एक बड़ा आर्गुमेंट है. तो आपकी बात में ये सच्चाई है कि आज की तारीख में कोर्ट्स पर भी लोगों की को संदेह है, कोर्ट्स पर भी उंगलियां, हाँ बिल्कुल, कोर्ट्स पर भी लोगों को संदेह है, कोर्ट पर भी लोगों को शंका है. लेकिन ये केस मुझे लगता है कि उस तरीके से लोगों के मन में संदेह नहीं होगा जिस तरीके से बाकी मामलों में है. और अगर आप कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ेंगे तो थोड़ा बिजार जरूर लगता है कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस कुछ और थे और बाद में कोर्ट का जजमेंट कुछ और, मतलब बेल पर जजमेंट कुछ और आया, और कोर्ट अपने इस जजमेंट में इस बारे में चिंता भी जताता है कि क्या किसी आदमी को लंबे समय तक आप जेल में रख सकते हैं क्या. मनीष सिसोदिया के संदर्भ में कोर्ट इस तरीके की बातें कर, इसलिए वो कहता है कि नहीं, अगर लंबा अगर केस खींचेगा तो आप मेरे पास आइएगा, और एक तरीके हिंट देता है अगर आप मेरे पास आएंगे तो हम आपको बेल दे. लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोगों के मन में लिकर पॉलिसी को लेकर संदेह है और सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिला है. ये एक नैरेटिव बीजेपी पूरे देश के अंदर लेकर जाएगी जहां भी कहीं भी बीजेपी आम आदमी पार्टी से कन्फ्रंट होगा और लोगों को ये बिलीवेबल आर्गुमेंट लगेगा. अब वापस चलते हैं कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत की तरफ. आपने सही याद दिलाया सबको और इस पे हम लोगों ने चर्चा भी की है, एंटी करप्शन मूवमेंट में आम आदमी पार्टी की जेनेसिस है. आम आदमी पार्टी को बनाया गया था देश से करप्शन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए.
आम आदमी पार्टी बन जाने के बाद, उसके बाद दिल्ली में सत्ता में आने के बाद, पहले 2013 में कुछ समय के लिए और उसके बाद में फिर से 2015 में, और मैंडेट को रिन्यू होता है 2020 में। इस पूरे पीरियड में आम आदमी पार्टी से क्या गलती हुई है कि अपने आप को करप्शन क्रूसेडर के तौर पर प्रेजेंट करते रहे, उसको उसमें क्या कमी रही है कि नहीं हो पाया, क्या कर सकते? उसको आप गलती कहिए या कुछ और कहिए, मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स ने आम आदमी पार्टी को अप्रोप्रिएट कर लिया जी। और ये खतरा हर उस पार्टी के साथ होता है जिसके अंदर कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं होता। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई जो अब मुझे लगता है कि नारेबाजी ज्यादा थी, उसमें किसी तरीके का कन्विक्शन कम था। क्योंकि शुरू में आपको याद होगा कि जब 2013 का जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब आम आदमी पार्टी ने क्राउड फंडिंग की बात की थी और लोगों ने से कहा था कि हमको आप 12 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए, आई थिंक 20 करोड़ या 12 करोड़ दोनों में से कोई फिगर थी, इतने पैसे मिल जाएंगे तो हम चुनाव लड़ लेंगे और उसके बाद हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उनको उतने पैसे मिल गए क्राउड फंडिंग से, तो उन्होंने कहा अब हमें पैसे की जरूरत नहीं, आप लोग कृपया पैसे मत दी। तो एक इतना बड़ा बेंचमार्क आपने इस देश की राजनीति के अंदर रखा कि आपने लोगों से पैसे लिए और जब जितने पैसे मांगे तो उतने हो गए, तो आपने मना कर दिया। अब ये जो मॉरल बेंचमार्क था, इस पर आम आदमी पार्टी को खरा उतरना चाहिए था और यही उसकी सबसे बड़ी मॉरल कैपिटल थी। बाद के समय में जब ये देखने में आ जाए कि आम आदमी पार्टी के नेता तो 45 करोड़ रुपए अपने अपने रेजिडेंस को रीबिल्ड करने में लगाते हैं, इनके नेता जो है वो अब 5-7 स्टार होटल्स के प्रेसिडेंशियल सुइट में रहते हैं और प्राइवेट जेट्स में चलते हैं और बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, क्योंकि ये वही पार्टी थी जो कहती थी कि बड़े बड़े नेताओं को या चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को बड़े बंगलों में रहने की क्या जरूरत है, सिक्योरिटी के साथ रहने की क्या जरूरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने की क्या जरूरत है। तो आपने जो कुछ भी कहा था, जब आप उसको मिटाते हुए चलते हैं तो भले ही उसका इमीडिएटली नुकसान ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में लोगों के मन में ये संदेह पैदा होता है कि ये भी तो वही निकले, ये भी तो वही, इनके बीच में बाकी लोगों में क्या फर्क, ये भी तो वैसे ही निकले। अब जितना एक्सपेंसिव कैंपेन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किया, जितना एक्सपेंसिव कैंपेन उन्होंने गोवा में किया, वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज को मैच कर रहे थे। तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि इन सब चीजों को ना समझते हो। एक ही जो फर्क है वो ये कि मुझे लगता है कि ये अपने आप को रोकना चाहिए था, नहीं रोक पाए, पॉलिटिक्स ने इनको अप्रोप्रिएट किया और ये अप्रोप्रिएट होते चले गए। इनको लगा कि पॉलिटिक्स में कामयाबी के लिए यही एक रास्ता है, अगर इस रास्ते को छोड़ेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब आम आदमी पार्टी अपनी अपने आंदोलन की कामयाबी इस पर तय करने लगी कि चुनाव जीतना सबसे बड़ी कामयाबी है, वो उनकी सबसे बड़ी अनडूइंग थी और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को लेकर जो परसेप्शन था उसमें जबरदस्त तरीके से कमी आनी शुरू हो गई। अगर ये थोड़ा सा पेशेंस रखते, सब्र रखते, थोड़ा सा इंतजार करके चलते, तो हमारे ख्याल से जनता इनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार बैठी हुई थी और पंजाब ने इसका उदाहरण भी इनको दिया था, लेकिन वो पेशेंस वो नहीं रख पाए। मेरा अभी भी मानना है कि अभी भी आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के मन में ये बात जरूर है कि बाकी लोगों से थोड़े बेहतर हैं, लेकिन पहले का जो था कि जो परसेप्शन था कि ये लोग बिल्कुल क्लीन हैं, पॉलिटिक्स बदलने के लिए आए हुए हैं, वो परसेप्शन अब लोगों का इनके बीच में नहीं है। राजनीति बदलने के लिए आए हैं, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल कल्चर को वो जन्म देंगे और उसको परस्यू करेंगे। उसके साथ साथ हिंदुस्तान में हम लोग डेमोक्रेसी की दुहाई तो देते हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में रियली फंक्शनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी डेमोक्रेसी नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। आम आदमी पार्टी में करप्शन के साथ साथ वादा था कि हम लोग पूरी डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी फंक्शनिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद चुनाव में सत्ता में आने के बाद जिस तरह से पार्टी के अंदर फूट पड़ी और जिस तरह से कुछ बड़े प्रमुख नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे लोग पार्टी छोड़ के निकल गए या फिर पार्टी से उनको निकलने के लिए मजबूर किया गया, आप जैसे लोग भी जिन्होंने क्रेडिबिलिटी प्रदान की थी बिकॉज अपने पब्लिक प्रोफाइल की वजह से, वो सब चले जाने के कारण जो बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड किस्म के पॉलिटिकल लीडर्स उनके टेम्पलेट के एसेंशियल पार्ट बन गए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सही बात कह रहे हैं।
मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हम लोग आम आदमी पार्टी में थे तो बहुत सारे लोग हम लोगों के पास आते थे और वो कहते थे सिर्फ आप लोगों से मुझे उम्मीद है। उनको जो उस वक्त का जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जो सिस्टम था, उसको लेके उनके मन में वितृष्णा का भाव था, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सत्ता का हस्तांतरण करते थे। उनको लगा कि आम आदमी पार्टी में वो चीज है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, और इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित तौर पर दिल्ली के अंदर पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप 29 सीटें जीत लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात। और वो लोग थे जो पहली बार पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ रहे थे, यंगस्टर, बिल्कुल कभी चुनाव नहीं लड़े थे, उनका कैंपेनिंग तक का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और उसके बाद अगली बार जब 2015 में चुनाव लड़ते हैं तो 67 सीट्स आपको मिल जाती है, ये कैसे पॉसिबल थे? ये अपने आप में मेजॉरिटी कभी किसी को मिली नहीं, ना कभी मिली, बिल्कुल ये अपने आप में चमत्कार था। वो चमत्कार क्यों हुआ? वो चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के अंदर एक फेथ डेवलप हुआ था, एक विश्वास पैदा था हुआ था कि नहीं, ये लोग बाकी राजनीतिक दलों से अलग हैं और जिस तरीके की राजनीति हम लोग चाहते हैं ये लोग करने आए हुए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बदलाव आने शुरू हुए, देखिए हमारा आप हम तो हम आप बड़ी मैक्रो पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं, हकीकत में ये कि आपका MLA, आपका काउंसलर, आपका पार्टी का काडर, आपका पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर लोगों से किस तरीके से बिहेव करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्टी के बारे में परसेप्शन बनाने में। और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के MLA हो और MP हो, वो ये दो चार को छोड़ के कोई ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो उसी तरीके के काम नहीं कर रहे जिस तरीके से बाकी के पोलिटिकल पार्टी BJP या कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की जो लड़ाई थी 2015 विधानसभा चुनाव की, वो यही थी कि आपने क्लीन कैंडिडेट्स का वायदा किया है, आप क्यों उन लोगों को विनेबल कैंडिडेट्स के साथ जा रहे हैं? और तभी एक आर्गुमेंट ये था कि अगर आम आदमी पार्टी 2015 का विधानसभा का चुनाव हार जाएगी तो शायद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। इस क्राइसिस को फेस करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं थी, इसलिए उसने उस वक्त कॉम्प्रोमाइजेस किए। और चूंकि कॉम्प्रोमाइजेस किए, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाद में छोड़ना पड़ा पार्टी, या उनको निकाला गया, आप कुछ भी उसको अपने हिसाब से कर लीजिए, तो वो जो एक मॉरल जो अथॉरिटी थी वो कहीं ना कहीं लीडरशिप के ऊपर कम, धीरे धीरे कम होती गई। और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब किसी की कोई अथॉरिटी वहां नहीं काम करती, सिर्फ अरविंद केजरीवाल की काम करती है। तो ये जो परसेप्शन का वॉर रहा, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, और उस परसेप्शन के की लड़ाई में आम आदमी पार्टी मुझे लगता है धीरे धीरे बहुत नीचे चली गई। और यही कारण है कि उनको कोई बहुत ज्यादा आज बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अलग करके नहीं देखा जाता है। आप किसी भी आम आदमी पार्टी के दो चार को छोड़ दीजिए, वो जिस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े बंगलों में घूमते हैं, अब आप अगर आप कहते थे हम दो कमरे के फ्लैट पर रहेंगे, अगर आप Type 7 बंगले के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर लोगों के मन में तो सवाल खड़ा होगा कि why do you need Type 7 बंगलो? आप राजनीति में वो बंगलो लेने के लिए आप आए क्या? लोगों के दिमाग में जो ह्यूमिलिटी थी, जो आम आदमी कंपोनेंट था, वो आम आदमी पार्टी से चले गए। मतलब एक तरह से उतने ज्यादा आम आदमी वाले नहीं रहे जितना कि उन्होंने वादा किया था। एक आखिरी सवाल, BJP करप्शन चार्जेस को एक तरह से नए किस्म से पेश कर रही है, अलग अक्रॉस द बोर्ड रेड्स हो रहे हैं। आज राजस्थान में रेड हुआ, कल को कहीं और रेड होता है, तो अलग अलग जगह पे रेड हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एज अ क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन के तौर पर पेश कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, ये कोई मानने को तैयार है ना। इस बारे में कोई नरेंद्र मोदी को कोई क्रेडिट देने को तैयार है, क्योंकि लोगों को यह बात समझ में आती है कि और वो मैंने कहा ना कि जब इनकी पार्टी के लोगों का कंडक्ट ग्राउंड पे किस तरीके से है, MLAs का, वो सबको मालूम है। आप किसी भी स्टेट में चले जाए, वहां के आम लोगों से पूछे, क्या BJP के नेता बिल्कुल ईमानदार है? क्या उनके अंदर क्या भ्रष्टाचार नहीं करते? आपको बिल्कुल साफ जवाब पता चल जाएगा, लोग ज्यादा फर्क नहीं करते। लेकिन जब लोग ये देखते हैं कि आप सिर्फ विपक्ष के लोगों को टारगेट करते हैं, तो ये एक प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि भाई विपक्ष को क्यों टारगेट करें? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को, बाकी राजनीतिक पार्टियों को, बाकी नेताओं को आप बोलने नहीं देना चाहते, उनको खत्म कर देना चाहते हैं।
तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि आम आदमी की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है अपने विपक्षियों को कुचलने के लिए, उनको दबाने के लिए और उनकी आवाज न उठे इसके लिए। कि अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो फिर उनकी सदस्यता चली जाएगी, महुआ मोहित्रा भी अगर कुछ बोलेंगी तो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ केस निकल जाएगा, संजय सिंह बोलेंगे तो वो भी जेल चले जाएंगे। तो ये एक परसेप्शन है, इसलिए मॉरल क्रुसेडर का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, अब इसके पीछे की जो कारण, आप कारण बहुत दो चीजें मुझे लगती है ऐसा इसलिए की जा रही, एक कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर दहशत का माहौल पैदा करना, और दूसरा उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक डिसरप्शन पैदा करना और बाकी लोगों को ये संदेश देना कि अगर आप इस पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो आप भी सुरक्षित नहीं। तो एक तरीके से उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको पूरी तरीके से स्क्वीज करना, उनके मन में डर दहशत पैदा करना, और लोगों के बीच में अगर कहीं ये परसेप्शन बन जाए कि करप्ट है तो उसका फायदा ले लेना, बट असल चीज कुछ और है। जी, कहना बहुत मुश्किल है आज के तारीख में कि क्या वाकई लिकर पॉलिसी को लेके जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार के जो फैसले आए उसके बाद उसको वापस ले गया, क्या इसमें करप्शन था, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि डेफिनेटली एक मेजर क्राइसिस है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को अगर मेजर क्राइसिस है तो पूरा ऑपोजिशन को क्राइसिस होगा। फरवरी मार्च से लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी शुरू हो जाएगी, तो अगले कुछ महीनों में क्या कुछ होता है इस पर्टिकुलर केस में, मनीष सिसोदिया के केस में, अरविंद केजरीवाल को जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो समन्स दिए उसमें वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है ईडी, उनके स्ट्रेट ओपन बयान की मैं नहीं आता हूँ, समन्स आपके गलत हैं, आप पहले क्लैरिफाई करिए कि मुझे किस रूप में चाहिए, सस्पेक्ट विटनेस और एज वॉट, यू नो उन्होंने स्ट्रेट अवे सवाल पूछा जो कि कई लोगों का मानना है कि लीगली वैलिड सवाल है। तो आपने मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि बड़ी चैलेंज है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से लोगों का फेथ आम आदमी पार्टी और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से खत्म नहीं हो गया है। आने वाले वक्त में जैसा कि कहा जाता है कि पता चलेगा कि किस तरफ को नैरेटिव जा रही है। आशुतोष भाई, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, थैंक यू।